मेरी दुकानों के ध्वस्तीकरण का ये जो नोटिस दिए गए हैं उसके संदर्भ में मैं यहाँ पर जो है विज्ञप्ति देने आया हूँ, लेकिन ये बैठा हुआ है ऐसा ही हमें ये 95 में दुकानें दी गई थी, ये नगर पालिका द्वारा आवंटित की गई थी, ठीक है ना, जिसको ये सरकार नोटिस ध्वस्तीकरण का नोटिस भेज दिया गया है और हमारी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। या तो ये सरकार ध्वस्त करके रोजगार दे या हमारी दुकान को नगर निगम क्षेत्र में जितना भी अतिक्रमण चिन्हित हो रहा है उस ध्वस्तीकरण कार्रवाई किया जा रहा है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जो है अपर मुख्य सचिव महोदय को नोडल ऑफिसर नामित किया गया है, उनके द्वारा कुछ अधिकारियों को जो ड्यूटी निर्धारित की गई है, इसमें प्रतिदिन जो है 4 जोनों में अतिक्रमण ध्वस्तीकरण कार्रवाई चलती है। इसमें जितना भी हमारा एक मिनी सचिवालय के रूप में वहाँ पर गठन किया गया है, जहाँ पर टास्क फोर्स कार्यालय बनाया हुआ है IRDT सभागार सर्वे चौक के पास में, तो वहाँ पर जाकर जो भी अपना आवेदन देता है उसके लिए हमने अधिकारी नामित किए हुए हैं। जो संबंधित अधिकारी होते हैं उसमें प्रमुखता से टास्क फोर्स के जो अधिकारी हैं वो शाम को 5 बजे के बाद ही वहाँ पर जाते हैं, जिस समय सभी टीमें जो है फील्ड से आकर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। जितनी भी आपत्तिकर्ता वहाँ पर आते हैं वो अपनी आपत्ति लिखित में लेकर आते हैं, वो अपनी आपत्ति लिखित में जो है अपने टास्क फोर्स कार्यालय में सबमिट करें, उनको व्यक्तिगत रूप से किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। उनका आपत्ति लिखित में होगा, उसमें लिखित में कार्रवाई की जाएगी, संबंधित विभाग को या संबंधित निरीक्षण टीम को चिन्हीकरण टीम को वो हम लोग उसको प्रेषित करेंगे।